बेगम साहबा खाने की कर रही है तैयारी मैरी। और देखो जी पक रहे हैं, सबसे पहले की पका रहे हैं? सबसे पहले सालन। और लेट काफ़ी हो गई है, तकरीबन 6:30 मेरे ख्याल 7 बजे खड़े ने। कुछ समान वगैरह घर में जेड़ा अंकू नहीं पियासी, मैं भी हूँ तक जो शॉपिंग वगैरह फिर करके लिया सी, तो इस करके जो काफ़ी लेट हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह और खाना वाना इस करके अज ना स्पैशल तैयार हो रहा जी। इन्हें सिर्फ भाई जफर और जेड़ा कहना सी डिनर तो बुलाया है शाम को 8 बजे जो लगे से मैं 8 बजे आ जाए। हाँ तैयार हो जाएगा जी, हूँ ही मैं काफ़ी सारा समान लैके आता। लेकिन बेगम साहब हाले होर कह रही हाले अफसानी शायद को नहीं पिलाई, कि बार मैं कह दें तो मैं लैके आ जाता। हाँ खराब निकले काफी सारे पिछों, आलू पे तो मैं सोचा प्याज वगैरह पैने, हम कह रही प्याज को नहीं है। फाइनली जी साडा सालन तो जो है ना तैयार हो गया, और मैं भी चलिया हूँ बाकी जो कुछ समान वगैरह लैन आला तो जाके जो है ना बल्कि लेट हो गया बच्चों तो काफ़ी सारा, मैं उन्होंने भेड़े लिया बच्चों का। फाइनली जी सारा समान वगैरह जो है ना मैं लैके आ गया, और समान वगैरह लैन गया अभी कुछ रोटियां लैनी होटल तो, कोई रायता तो सलाद वगैरह भी होटल तो ही लैके आता है, नाल तो सही मिल जाता है रोटियां के नाल जो लैके आते थे ना टिक्के कबाब वगैरह, तो उन्होंने नाल जो रायता वगैरह जो ना मैं चलो तो घर जरा नहीं बनाते। और धनिया भी बड़ी मुश्किल ना मिले, इतना सारा धनिया 50 रुपए का मिले, इन्हें दो लवी मिट्टी वाला होंगे कट्टन तो पहले इन तसली ने तोली फिर कट के जो दो के फिर बिच पावी। और नाल है की बनाया मिठे चावल रहन दे जरूरी उत्तू ला के भी खाने ने, दम निकल गया तो फिर जो खराब ना हो जाए। अच्छा नाल बनाया जी बेगम साहब ने मिठे चावल, और होर की चीज़ बनाई नाल सालन ते नाल चावल ते नाल बस जो हिसाब साढ़े को बन गया वो जेड़ा गन असी ले लिया, क्योंकि बेगम हेक है गया नाल कोई हेल्पर हुल्पर रहते होंगे तो फिर जल्दी बन गया। सो गया बच्चे ट्यूशन वर्ग गए हैं, तो उस तो बाद मैं घर च कल असें जी लैबा आई वो तो अपनी मस्ती च रहना होंगे, ਨਾਲੇ ਉਹ ਅਬਦਰ ਵਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਸਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਚਟਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ ਸੱਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ। ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, UPS ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੱਕ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਡੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜ਼ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸਾਂ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਯਾਮ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਯਾਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਯਾਮ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। आज याम ने अब्दुल वहाब को देख के ना माशाल्लाह केला आज है पकड़ के खा लिया, खा रहे हम खुद खिलाते हैं बच्चों के साथ, बच्चे ना जो चीज ना ही खाना चाहे ना वो भी खा लेते हैं। हाँ जी, खाना भाभी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ था, बहुत डिलीशियस था, बल्कि हमारी वीडियो में हमारा एक सालन रह गया था मटन वाला, वो हमने बाद में खाया, अब जा रही है, तो खाना बहुत अच्छा था जी। शुक्रिया, शहर में हमारी पहली दावत आपके घर हुई है, आप पीछे तो खाते पीते रहे। हयाम नवाज के पास बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत रखती है, और अब्दुल वहाब भी साथ बैठा है, ये दोनों बहुत खेलते हैं। आज आए ना अब्दुल वहाब, रोज कहता था वीडियो पर हैया, बड़ा प्यार से नाम लेता है, हाँ बहुत प्यार से बुलाता है हैया। हैया बड़ी खुश होती है, हैया बहुत खुश होती है। अब्दुल वहाब बैठा ना पापा के पास, तो वो हयाम भी चली गई है। हाँ लैबा, बस ये पता है क्या करते हैं अब्दुल वहाब लैबा, ये रात बहुत देर से सोते हैं। हाँ बहुत देर, हाँ फिर उठा लेती हूँ ना मैं इसको, फिर दोपहर को भी सो जाती है ना, एक टाइम पूरा कर लेती है नींद का। अकेडमी तो मेरे ख्याल दोनों बड़े ही जाते हैं। हाँ बड़े ही जाते हैं, क्योंकि इनको अभी लिखना भी नहीं आता ठीक से, इसको मैंने देखा है डॉट्स के साथ ही। हाँ हाँ मैं इसको लिखवाती भी हूँ थोड़ा बहुत, इसको सिखाती हूँ। अब्दुल रहमान को भी कहती हूँ इसको होमवर्क कराया करो,
वो आता तो नहीं है, बस थोड़ा सा वो काम देते हैं, वो भी मैं इसको नहीं, लिखवा देती हूँ। मैंने लाइबा की कॉपी देखी, लाइबा काम अच्छा है। हाँ, लाइबा का बस काम इसका हाथ सीधा हो जाना, फिर मुझे फिक्र मिट जाएगी भी काम लिख ले। नहीं, इनकी भाभी नर्सरी में करवाने का मकसद ही इनकी बेस अच्छी बात है। हाँ, और ये ठीक रहेंगी। वो बच्चे अब कैटकून की कैसे सही जा रही है प्रोग्रेस क्या अब्दुलरहमान? हाँ, वो जाते हैं, मुझे तो इतना पता नहीं पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं अच्छा, वो प्रिंसिपल बड़ी अच्छी हाँ। वो सही है, हाँ। सही हो मानो, देखो देखते ना आपके वीडियो हाँ। में सही अपनी कार्य बोली, मजाक बना रही है, देखो वो कह रही आज मोबाइल किधर चला रहा है, बड़ी बात है ना वो, देखो क्या कर। नहीं नहीं, आप सही, आप बनाया करें भाभी, करो अगर आप। नहीं, कोई नहीं, बच्चे होते हैं ना, इसलिए ये बना लेता है। बच्चे पता, बच्चे का काम कितना होता है। लेकिन आपके बच्चे देखे कितने डिप्लोमेटिक है, आप उसको देखे। हाँ, देखो कितने सुकून से बैठा। हाँ, पापा के साथ कितने सुकून से बैठा, तो मेरे साथ कभी भी नहीं बैठता। नहीं, खुद देखते हैं, नहीं बैठता। ये मुझे बहुत तंग करता है। घर में अकेला होता है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर में अकेला होता है, बहुत तंग करता है। अक्सर दादी भी इनके साथ होती है ना, वो खेलती है। अब्दुल वाप कहता है नहीं, दादी के पास भी नहीं जाना, मैंने सिर्फ मम्मा के पास रहना है। फिर मम्मा को ये भी होता है, बच्चों को खाना सुबह नाश्ता करा के स्कूल भेजना होता है, तो उसके बाद घर का काम भी होता है, तो वो भी करना होता है, तो इसको भी संभालना होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ये तंग भी बहुत करता है। हाँ, देखो ना, अब्दुल वहाब अंदर किचन में चला गया है, तो वो हयाम ही कह रही मुझे भी जाने दो। वो भी निकल आई है में से। चलो मानो, अब चलना आ गया ना। अब्दुल वहाब, चलो हयाम के पास खेलो, जाओ मानो, जाओ चलो कल से कोशिश कर रही है, पहले नहीं चलती थी, कल से इतना माशा। हाँ जी, क्या वहाब को कुछ मसला हो ना, तो ये मुझे कहता है अम्मी ये मुझे है, कुछ किसी को भी कुछ नहीं कहता। वो कोई चीज आपको समझाने ये नहीं जाएगा, ये कहेगा मम्मा मेरे देखे, ये मुझे लगता है सोता भी लेट है बहुत। हाँ, तो एक दो बजे सोता है, मैं तो बहुत तंग आ जाती हूँ इससे। आप ना बच्चे एक व्लॉग के लिए बच्चे नमाज भाई को दिए, खुद व्लॉग बना रहे हैं, नमाज भाई ने बना लिया आपने बस। ये देर ना एक रोटी जेड़ी पकदी की होवे कि नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा व्लॉग बनेगा। और अब्दुल वहाब का बहुत दिल करता है मैं भी लिखूं, पर ये पता है ज्यादा कोशिश क्या करता है, ये करता है मैं ये डायरी है ना ये फाड़ दूं। नहीं, आप ना इसे कलरिंग एक बुक लेके ना छोटे छोटे कलर लेंगे, वो थोड़े से कलर करता रहेगा, वो ठीक, उसको भी अक्सर। ये पता क्या करता है, आमना और लैबा की ना चीजें चुरा कर मर जाता है, जैसे शॉप हुई, रेजर हुई, ऐसे उठा कर भाग जाता है, फिर वो रोती है बहुत, उनको तंग करता है। नहीं, इसे एक ना कलरिंग बुक और छोटे से कलर लेके, जब ये लिखने होमवर्क करती है ना, तो वो तब मेरा अब्दुल वहाब का ही मन करता है मैं भी लिखूं, तो फिर वो ये लिखता है, ये देखो अभी पापा से क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक जी, भाई और जो चले गए ने, और अब जो व्लाग बनाया सी बेगम साहब, मैंने कहा मैं हाथ जो तू बना, तेन जो पता लगे व्लाग बनाना कोई 5-7 मिनट जो मोबाइल फाद के खड़ोना केडा औखा, लेकिन बेगम साहब जाना वा लाई रखे, बस पता नहीं की गल्ला मारिया मैंने भी जो याद कर, लेकिन स्टार्ट ने किया पंजाबी तो शुरू हो गई है, जो कि सदे ने उर्दू न। अब्दुल वहाब और लैबा जागते ने, बाकी बच्चे जो है सो गए अंदर सुते पे, और बेगम साहबां कर रही है किचन की सफाई वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का नाश्ता वगैरह पकाना होंदा, ते हुणे जिहड़ा मैं कह रही कुंज वगैरह के बाकी सारा रख दिता है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊ, बस नहीं नहीं, हुण ते रात दा समझ लो कि मेरे ख्याल है 12 तो 12:30 तक जिहड़ा ना टाइम हो गया काफ़ी, तो वह हाले तक जिहड़े हैगे ना जागदे ने, ते नाले अज अम्मी कोई नहीं हैगी आ, तो सालन वगैरह सारा कुछ काफ़ी सारा जरा गन पिया है, तो नाल दिता कोई नहीं उन्होंने, चलो पर उन्होंने देना से सालन तो नहीं आते से फिर भी देना से सालन, क्योंकि काफ़ी सारा से पकाया से मुर्गे का भी, तो दूसरा उन्होंने की कहें बकरे का बीफ नहीं मटन का है, तो वह भी बनाया से, लेकिन जो काफ़ी सारा फ्रिज पे अगर सानू खाना पै गया तो साढ़े को एक हफ्ता जो खत्म को नहीं होना। हाँ,
मेहमान वगैरा भी दिल है बुलावी हो क्योंकि पिछले जुमे आने से लेकिन कुछ ना सा समझ को गड़बड़ हो गई इस करके मेहमान नहीं आए ने और मेहमान साढ़े तो नाराज भी ने और काफी सारे बहन भाई होर भी नाराज ने सानू इत्थे मिलन आए थे कुछ उन्होंने भी असी क्योंकि बेगम घर हैगी कोई नहीं उस टाइम तो मेरा ही जिहड़ा ना दिमाग मसलन प्रैशर च हैगा सी कोई आंढी गवांढी इत्थों जिहड़ा ना सानू मिलन आए सी इस कलोनी दे विचों ही तो उन्होंने मैं कोई बदतमीजी तो नहीं की किसी किस्म की बस मैं उन्होंने कहा मैं बेगम ही घर कोई नहीं गले वैसे बंदा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो आए थे फैमिली नाल तो फिर उन्होंने मैं कोई नहीं मिलया क्योंकि मैं कहा बेगम हैगी घर कोई नहीं तो मैं लिहाजा मैं कला है मैं तो फैमिली ना आए हो तो मैं जो है फिर तुम नहीं मिल सकता क्योंकि मैं अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी फैमिली घर आँगी तो फिर जो मैं जरूर मिलता अम्मी भी गई हुई थी बेगम भी कोई नहीं मैं कला है या बच्चे है इस करके फिर उन्होंने भी कोई नहीं मिले मैं फिर तुम किसी दिन जो ना जाए तो सुना ना चाहिए हो मेरे तो नाराज़ हो गए कि नवाज भाई तुम सू जो ना मिले नहीं हो बार मिलया तो सी बहर खड़े खड़े मिलया मैं भाई बेगम है कोई नहीं तो मैं आख्या इंशाल्लाह तुम फिर सुबह आ जाओ या कल शाम को आ जाओ जिस टाइम जो दिल करे कोई नहीं मसला चलो हूँ मैं कह देना तुम जेड़ना जिस टाइम तुम्हारा दिल करे आ जाओ कि तुम सा ब्लाग देख रहे हो तो बाकी मेहमान जोड़े साढ़े लिए आने से वह भी साढ़े तो थोड़ा बहुत नाराज है उन्होंने भी जो करना हूँ फोन तो उन्होंने मना मनू के जो लैमने और ना इस सिचुएशन असल च ना समझना चाहिए काफ़ी सारे बहन भाइयों ने जो समझना चाहिए कि मेरी हकीकत जोड़ा ना तबीयत सेहत नहीं ठीक हैगी सी और काफ़ी सारे जोड़े है दोस्त अहबाब और